सर्वसमिकाओं के उपयोग से गुणनखंडन करना। क्या आप x वर्ग ऋण 4, x वर्ग धन 6x धन 9, x वर्ग धन 5x धन 6 के गुणनखंडन में उभयनिष्ठ बहुपद पहचान कर गुणनखंड पता कर सकते हैं? आइए कुछ बहुपद x वर्ग ऋण 4, x वर्ग धन 6x धन 9 तथा x वर्ग धन 5x धन 6 को देखें। इनमें से प्रत्येक बहुपद के पदों को देखने से हमें यह पता चल रहा है कि इनके सभी पदों में कोई भी पद एक जैसे नहीं है। इस प्रकार के बहुपदों का उभयनिष्ठ बहुपद निकालकर गुणनखंडन नहीं हो सकता, तो क्या करें? आइए देखें। चलिए सबसे पहले हम बहुपद x वर्ग ऋण 4 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। x वर्ग ऋण 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? x का वर्ग ऋण 2 का वर्ग। अब हम एक सर्वसमिका के बारे में बात करते हैं। सर्वसमिका यदि हम लें a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a ऋण b और गुणा में साथ में a धन b। इस सर्वसमिका से हम बहुपद x वर्ग ऋण 2 वर्ग की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम लें x का वर्ग ऋण 2 का वर्ग, तो तुलना करने पर हमें a के स्थान पर क्या दिख रहा है? x, और b के स्थान पर 2। तो ये इस प्रकार से होगा x ऋण 2 गुणा में x धन 2। तो हमें x वर्ग ऋण 4 का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ वो हुआ x ऋण 2 गुणित x धन 2। चलिए हम एक और बहुपद लेते हैं। दूसरा बहुपद हम ले लेते हैं x का वर्ग धन 6x धन 9। इसका भी हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। इसकी तुलना हम एक दूसरी सर्वसमिका, हम जानते हैं कि a धन b पूरे का वर्ग होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। इस सर्वसमिका की सहायता से हम x का वर्ग धन 6x धन 9 इस बहुपद का गुणनखंड कर सकते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे x का वर्ग धन 2, और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बीच में मध्य पद में जो है वो 6x है, तो हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3x धन 9 को लिखा जा सकता है 3 का वर्ग। अब यदि आप इनकी तुलना करें तो a के स्थान पर आप x को देख रहे हैं और b के स्थान पर दिखाई दे रहा है 3। तो ये विस्तारित रूप को यदि हम संक्षिप्त रूप में लिखें तो हमें क्या प्राप्त होगा? x धन 3 पूरे का वर्ग। तो हमने पाया कि x वर्ग धन 6x धन 9 इसे लिखा जा सकता है x धन 3 पूरे के वर्ग के रूप में, और या फिर हम इसे लिख सकते हैं x धन 3 गुणित x धन 3 बराबर x का वर्ग धन 6x धन 9। तो इस बहुपद का जो गुणनखंड हुआ वो हुआ x धन 3 गुणित x धन 3। करके देखें। पहला, x वर्ग ऋण 16 का गुणनखंडन कीजिए। दूसरा, 4x वर्ग ऋण 20x धन 25 का गुणनखंडन कीजिए।